नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद परवेश वर्मा जी से। परवेश वर्मा जी दिल्ली के मुद्दों को संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी मुखर होकर उठाते रहे हैं। कई बार उनके वक्तव्यों से विवाद भी होता है, केजरीवाल सरकार को दिल्ली में थोड़ी परेशानी भी होती है, लेकिन कोरोना के इस काल में सांसद परवेश वर्मा अपने संसदीय क्षेत्र में तमाम तरह के जनकल्याणकारी काम इस समय कर रहे हैं। आइए, क्या कर रहे हैं काम उनसे ही जानते हैं। परवेश जी, आपका लोकसभा टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। परवेश जी, देश का एक एक सांसद एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और कोई ना कोई सकारात्मक अच्छा काम जनता के लिए कर रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जब बीमारी देश में जब इसने कदम रखा था, उसके बाद में जब जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील करी कि लॉकडाउन की स्थिति में रहना पड़ेगा, तब बहुत सारी बातें, बहुत सारी लोगों की तकलीफ हमारे सामने आई। उनमें से एक तकलीफ थी कि जो लोग देश भर में फंसे हुए थे, बहुत सारी उनकी शिकायतें आ रही थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ता रहा जी, तो जो गरीब तबका था, जो मजदूर वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, वहाँ से बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि हमको राशन की दिक्कत है, क्योंकि वो सारे डेली वेजिस पर काम करते थे जी, उनको नौकरियां नहीं थी, सारी फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो उनको राशन की, उनको खाने पानी की दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहले एक हमने हेल्पलाइन नंबर बनाया, मैंने एक मोबाइल नंबर, उसका वीडियो बनाकर मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक पहुँचाया जी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं तक पहुँचाया। हमारे पास में लोगों की तरफ से वो एरिया के एड्रेस आने लग गए कि जहाँ जहाँ पे लोग 100 की संख्या में, 50 की संख्या में, 200 की संख्या में जहाँ पर मजदूर लोग रह रहे हैं और उनको राशन पानी खाना नहीं मिल रहा जी, तब हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने ये राहत कार्य शुरू किया और आज भी हमारा राहत कार्य चल रहा है। जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक हमारा राहत कार्य चलता रहेगा, जब तक सामान्य रूप से जीवन नहीं शुरू हो जाता तब तक हमारा राहत कार्य चलता रहेगा। मैंने जो मेरा कार्यालय है द्वारका में जी, मैंने अपने कार्यालय में ही वहीं पर स्थान में हलवाई बिठाकर वहीं पे हमने रोज 1500 से 2000 लोगों का खाना हमने बनाना शुरू किया जी, जो हम उन सारे स्थानों पे जाते थे जहाँ से हमें शिकायतें आती थी। इसके बाद में हमने मोदी किट बनवाई जी, मोदी किट में हमने 5 किलो आटा, हमने चावल, तेल, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, चीनी, ये सारी व्यवस्थाएं एक हमने मोदी किट बनाकर लगभग 6 किलो से ज्यादा, 10 किलो से ज्यादा उसका वजन था पूरी किट का जी, और ये हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक हमने पहुंचाने का काम किया। अभी तक हम 5000 से ज्यादा किट अभी तक लोगों के पास में पहुंचा चुके हैं। ये वो सामान है जो मैं अपने माध्यम से कर रहा था जी, क्योंकि सांसद के नाते हमें कोई ऐसा फंड नहीं मिला या जो हमें सांसद निधि का फंड मिलता है हम उस पैसे से इस काम को नहीं कर सकते थे। ये हमने एक, मेरे पिताजी ने राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम से संस्था बनाई थी, हमने उसी राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था के माध्यम से ये सारा राहत कार्य को हमने किया जी। अभी तक कुछ लोगों ने हमारी इसमें मदद भी करी मगर ज्यादातर पैसा हमारा ही, हमारी संस्था का ही इसमें लगा और हमें बहुत खुशी है कि हम इस माध्यम से लोगों के काम आ सके। जहाँ पर बहुत ऐसी कोई शिकायत आती थी कि बहुत मजबूरी में किसी का पास बनाना पड़ा जी, तो वो भी हमने बनवाया हर घर तक। और मैंने सभी से कहा था, सभी से अपील करी थी कि मेरी लोकसभा में हम कोई भी घर ऐसा परिवार नहीं होगा जी, जो रात को भूखा पेट सोएगा, इसकी हमने चिंता करी जी।
बिल्कुल परवेश वर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी आपके पिता, उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया और आज भी उनको याद रखा जाता है। जाहिर सी बात है कि आप उनके द्वारा बनाए गए कामों को और आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल दिल्ली के मामले में ये उठ रहा है कि दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि वो 72 लाख लोगों को राशन बांट रही है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली से लोगों का पलायन हुआ, मजदूर दिल्ली को छोड़कर अभी भी जा रहे हैं, आखिर क्यों? आप दिल्ली के सांसद हैं, आप कैसे चीजों को देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में अगर मैं कहूं कि मैं समझता हूं, अगर देश में हर राज्य सरकारों का अगर हम एक जांच करें कि उन्होंने कैसा काम किया, तो दिल्ली का नंबर सबसे पीछे आने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने, चाहे वो राशन सामग्री का मामला हो जी, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 10 लाख लोगों को रोज भोजन करवा रहा हूं, तो आपको भी ये बात बहुत अपना आश्चर्य करेगी कि आज से 20 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी दिल्ली के सातों सांसदों के साथ पिछले 6 सालों में पहली बार उन्होंने हमें कहा कि मैं आपके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता हूं। तो हम सारे सांसद उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी आए, उसमें उनके जो सांसद हैं श्री एनडी गुप्ता जी, संजय सिंह जी और सुशील गुप्ता जी, वो तीनों राज्यसभा के सांसद, वो भी उसमें मौजूद थे जी। तब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम रोज दिल्ली में 10 लाख लोगों को पका हुआ भोजन करवा रहे हैं जी। मैंने उनको उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि आप ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये आप लोग नहीं करा रहे जी। ये तो दिल्ली के गुरुद्वारों में जो खाना बन रहा है, दिल्ली में जो सामाजिक संस्थाएं खाना बना रही हैं, आपके SDM और आपके DM, ये दोनों उन सभी लोगों के ऊपर में डंडा करके उनको धमकाकर वो सारा खाना, पका हुआ खाना अपने पास में मंगवाते हैं, उनको वो लोकेशन दी जाती है और तब वो खाना बंटवाया जाता है जी। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा कि आप खाना नहीं बना रहे हैं, आप लोगों से ले रहे हैं और आगे बांट रहे हैं। तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी बहुत सारी किचन है जहां पर खाना बन रहा है जी, हमने उनको उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि जरा वो किचन की सूची हमें भी दे दीजिए कि वो दिल्ली में किचन कहां कहां पर है, हम भी उसको जाकर देख लें जी। तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संजय सिंह, जो उनके राज्यसभा सांसद है, उनको कहा कि संजय जी, शाम तक सारे सांसदों को सूची मिल जानी चाहिए जी, कि कहां कहां पर हमारा किचन में खाना बन रहा है, शाम को सबको सूची मिल जानी चाहिए जी। मगर आज 20 दिन हो गए, आज तक हमको वो सूची नहीं मिली कि दिल्ली की सरकार खाना कहाँ बना रही है जी। दिल्ली का कोई सरकार का कोई किचन नहीं चल रहा, वो तो लोगों से खाना इकट्ठा करते हैं, क्योंकि SDM और DM जाकर उनको कहता है कि तुम्हारे पास में परमिशन नहीं है, तुमने ये कैसे लगा लिया, और अगर ये लगा लिए तो ये सारा खाना तुम हमारे पास भिजवाओगे और हम इसको बांटेंगे जी। ये तो है पके हुए भोजन की बात। अगर मैं राशन की बात करूं, तो हम दिल्ली के लोगों को भी बता रहे हैं कि हमारी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी, 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण योजना में पैकेज दिया जी, और उससे देश भर में राशन बंटवाया जा रहा है, और उसी वही स्कीम के माध्यम से दिल्ली की सरकार को भी वो सारा राशन मिल रहा है, जो आज वो PDS सिस्टम से राशन की दुकानों में जो लोगों को राशन दे रहे हैं, वो दिल्ली की सरकार नहीं दे रही, वो भारत की सरकार ने उनके पास में भिजवाया है। तो दिल्ली की सरकार बांटने का काम कर रही है, मगर बांटने में भी वो राजनीति कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कूपन छपवा लिए, उसमें अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगा दी, और उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो नहीं है, राशन आ रहे भारत सरकार की तरफ से मगर प्रधानमंत्री का कहीं नाम नहीं है, अपनी फोटो छपवाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में आज भी 15 से 20 लाख लोग ऐसे हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास में राशन कार्ड नहीं बना हुआ, तो उनको राशन नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 महीने तक दिमाग में सोचते रहे कि कैसे उनको राशन दे। मैंने उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा था कि आपको राशन कोई कार्ड देखने की क्या जरूरत है जी। आप सारे राशन की दुकानों पर बोल दीजिए, कोई भी गरीब व्यक्ति आएगा, अगर वो राशन मांगता है तो आप उसको राशन दे दीजिए।
आज के दिन में कोई राशन को फेंकता नहीं है, आज के दिन में राशन को कोई गरीब आदमी बेचता नहीं है, आज ये ऐसी स्थिति में राशन को खरीद उसको खाने का काम में आता है, उसके परिवार का पेट भरने के काम में आता है जी। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस बात को भी नहीं माना और आज भी जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन तक राशन नहीं पहुंच रहा। ये दो बातें, तीसरी बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं हमारे अस्पतालों में बहुत अच्छी सुविधा है, हमने बहुत अच्छे क्वारंटाइन वार्ड बना दिए हैं, मगर आज भी मनोज जी अगर आप दिल्ली में कहीं जाकर देख लें किसी व्यक्ति को अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है वो धक्के खाता रहता है। अभी दिल्ली में एक दिल्ली पुलिस के जवान की मृत्यु हो गई, उसके भाई ने कहा कि हम इसको दिल्ली सरकार के 4 हॉस्पिटल में लेके गए, किसी ने भी एडमिशन नहीं दिया और फिर उसकी बाद में मृत्यु हो गई। आज कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव होता है उसको दिल्ली के सरकार के अस्पतालों में गेट के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता। और जो सारे आंकड़े भी आ रहे हैं ये भी दिल्ली की सरकार सारे झूठे आंकड़े बता रही है, दिल्ली में कितनी मृत्यु हुई है उनको छुपा रही है, अपनी सारे आंकड़ों को कम कम करके बता रही है, बल्कि आंकड़े इससे बहुत ज्यादा है दिल्ली में। अच्छा परवेश वर्मा जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि केजरीवाल जी ये आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार से उन्हें पर्याप्त फंड नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी बात, दिल्ली नगर निगम में बीजेपी सत्ता में है तो नगर निगम के जरिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए दिल्ली नगर निगम का काम है दिल्ली में साफ सफाई रखना, मैं ये आपको बहुत ही दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ और मेरे को बहुत ही गर्व होता है जी। दिल्ली नगर निगम के पास में फंड की कमी होने के बाद भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम को पिछले कई वर्षों से देना है मगर वो नहीं देते हैं जी। उस कमी के बावजूद भी आज आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, किसी गली में चले जाइए, गांव में चले जाइए, कॉलोनी में चले जाइए, हमारे निगम पार्षद खुद हाथ में वो फॉगिंग मशीन लेकर, सैनिटाइजेशन की मशीन लेकर खुद अपना घरों में सब घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं, सारी दुकानों को सैनिटाइज कर रहे हैं, गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं। मेरे पास में मेरे यहाँ पर 45 निगम पार्षद है जिसमें से 31 निगम पार्षद हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सारे 31 निगम पार्षद रोज शाम को मुझे वीडियो भेजते हैं कि आज हमने फलाने मोहल्ले को सैनिटाइज किया, आज हमने इस गाँव को सैनिटाइज किया, आज हमने इस कॉलोनी को सैनिटाइज किया। मैं दिल्ली नगर निगम को बधाई देता हूँ कि आज चाहे वो डेंगू के रोकने का मामला था, चाहे वो मलेरिया के रोकने का मामला था, आज अगर दिल्ली में कम केस हैं, तो उसमें दिल्ली नगर निगम ने जो ये सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया है इसमें दिल्ली नगर निगम का बहुत अहम रोल है। दिल्ली के मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही दुख होता है कि जब संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बार बार बोलते हैं कि हमें भारत सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही जी, दिल्ली के हर गरीब आदमी के खाते में पैसा डलवाना, दिल्ली के गांव के किसानों के खाते में पैसा डलवाना, दिल्ली में जो उज्ज्वला योजना में सारी महिलाओं को उनको 3 महीने का गैस सिलेंडर मुफ्त देना और ये सारा राशन प्रक्रिया में पूरे दिल्ली के गरीब लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाना, ये सब काम किसने किया? भारत सरकार ने ही तो काम किया। दिल्ली की सरकार को उन्होंने पीपी किट दी, दिल्ली की सरकार को उन्होंने सारे उनके अस्पतालों को जो उन्होंने आवश्यकता बताई वो भारत सरकार ने उन तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया, मगर ये लोग राजनीति करना जानते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुत झूठे मुख्यमंत्री में से उनकी गिनती होती है, तो वो हर बात पे उनका झूठ बोलना, संजय सिंह का हर बात पे झूठ बोलना ये उनकी आदत बन गई जी। एक आरोप लगता है बीजेपी पे, क्योंकि केजरीवाल जी इस समय नहीं है, आप झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, वो लगाते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, तबलीगी जमात का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अगर जो काम तबलीगी जमात ने किया, अगर वो काम देश में कोई और भी कोई भी धर्म का होता जहां पर कोई बहुत अपना भीड़ लगाकर किसी कमरे में हॉल में लोग वहां पर बंद होते और उसमें से सैकड़ों केसेस पॉजिटिव निकलते और वो पूरे देश में फैल जाते, अगर ये किसी भी और कोई भी करता तो हम उसको भी गलत ठहराते, मगर ऐसा कभी आता ही नहीं सामने कि कोई और आदमी ऐसा कर रहा हो, कोई और ऐसा धर्म के लोग ऐसे कर रहा हो।
यहाँ पे तो हमारे भारत में हमको कोरोना से भी लड़ना पड़ रहा है, हमको इस देश के जो गद्दार हैं उनसे भी लड़ना पड़ रहा है, और जो लोग ये कोरोना आतंकवाद, एक ये नए तरीके का आतंकवाद हो गया है, इसको जो आतंकवाद के रूप में देख रहे हैं, कोरोना को फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनको ये लोग मारते हैं। अगर उनकी कॉलोनी में ये लोग चले जाते हैं, कोरोना वॉरियर्स चले जाते हैं जी, तो ये जमात के लोग उनको मारते हैं, उनको डंडे मारते हैं, उनको पत्थर मारने का काम करते हैं। ये किसी और धर्म में तो हमको नहीं दिखाई देता। तो क्या कारण है कि बार बार एक ही धर्म के लोग इस देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आता। और मैंने उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि अभी अभी तबलीगी जमात का जो मामला आया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते आपको दिल्ली के सारे लोगों को 24 घंटे का समय देना चाहिए कि जो भी तबलीगी जमात में शामिल था, जो उन हजारों के लोगों के बीच में संपर्क में आया है, वो 24 घंटे के अंदर सामने आकर खुद ही बता दे। अगर वो नहीं बताएगा और बाद में वो पाया जाता है तो उसके ऊपर में क्रिमिनल केस भी बनना चाहिए, मगर उसको भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला। हर बात को उनको टालना आता है, दूसरे को आरोप मढ़ना आता है, मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री 3 महीना पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें तो चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि मेरे पास में 60,000 करोड़ का बजट है, दिल्ली में सारी देश की सारी सरकारें लॉस में चल रही हैं, भारत सरकार भी लॉस में चल रही है, अकेली दिल्ली सरकार ही प्रॉफिट में चल रही है। 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उनको दिल्ली में ठेके खुलवाने पड़ गए, उनको सैलरी बांटने के लिए दिल्ली में सारा लॉकडाउन को तहस नहस करना पड़ा। अगर भारत सरकार लॉकडाउन के लिए बोलती है कि तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उसमें छूट देने की बात करता है, तो ये कहां की समझदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री दिखाते हैं। जी परवेश वर्मा जी, अगर मैं कोरोना की बात करूं तो दिल्ली एकमात्र पूरे देश में ऐसा राज्य रहा जहां के सातों जो 11 जिले थे वो रेड जोन में रहे, सभी के सभी जिले रेड जोन में रहे। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई जबकि दिल्ली में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मानी जाती हैं, केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, उसके बावजूद दिल्ली की ये दशा क्यों? वो इसलिए है मनोज जी कि पिछले 20 साल में दिल्ली की सरकार एक भी नया अस्पताल नहीं बना पाई। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस ने राज किया, पिछले 6 सालों से अरविंद केजरीवाल राज कर रहे हैं, मगर पिछले 20 सालों में दिल्ली में एक भी नया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली की सरकार ने नहीं बनाया। दिल्ली में ये हमको लगता है जब अरविंद केजरीवाल अपने 1600 करोड़ रुपया 5 साल में विज्ञापन पे खर्च करते हैं, आज ये जितने भी टीवी चैनल सारे हैं, जितने भी अखबार हैं, आज उनको 20-20, 30-30 करोड़ रुपये का एड दिया जाता है। इसलिए वो अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ भी गलत नहीं दिखाते। ये अरविंद केजरीवाल बोलता था हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाकर एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आए, क्या एक भी मोहल्ला क्लिनिक में आज कोई कोरोना का इलाज चल रहा है? क्या वहां पे कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं? क्या वो सारे क्लिनिक का क्या फायदा हो रहा है? और उन्होंने कहा था कि हम हजारों क्लिनिक बनाएंगे, मगर आज दिल्ली में केवल 100 से 150 मोहल्ला क्लिनिक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल अपना झूठ बोलने का काम करते हैं। दिल्ली में जो आप, मैं तो रोज ही, हमारे पास तो कंप्लेंट आती है कि हमें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव के जो केस है उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। मैं तो अभी मैंने LNGP के हॉस्पिटल के जो वहां के डायरेक्टर हैं उनसे मैंने बात करी जी। एक कोई केस था, मैंने डायरेक्टर से बात करी कि वो बहुत सीरियस है, वो एम्बुलेंस में आपके पास आ रहे हैं, कृपया उनको एडमिशन दे दीजिए। वो आदमी एम्बुलेंस ने उसको गेट पर छोड़ दिया, 2 घंटा वो पटरी पर बैठा रहा सड़क पर, मगर वहां के डायरेक्टर ने उसको अंदर जाके एडमिशन नहीं दिया। और वो तो तब की बात है जब मैंने उस डायरेक्टर से, उसके PA से 4 बार मैंने बात करी। तो ये हाल है दिल्ली सरकार के अस्पताल का कि वो ये सारे लोगों को अंदर घुसने भी नहीं दे रहे जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं दिल्ली के गांव की, किसान की, क्योंकि आप उस परिवार से आते हैं जिसने हमेशा दिल्ली के गांव की बात की, आपने, मैंने देखा संसद में भी आपने कई बार मुद्दे उठाए दिल्ली के किसान के, दिल्ली के गांव के, दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों की, इनका हाल क्या है? क्या गांव के लोगों को मदद मिल रही है? क्या किसानों तक मदद पहुंच रही है? आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, किसान तो लोगों की मदद कर रहे हैं, दिल्ली के गाँव के जो लोग हैं
वो तो जो उनके आसपास में जो सारी लेबर रहती है वो तो उनकी मदद कर रहे हैं। जी। आप गांव में जाकर देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। और ये आज से नहीं, ये हमारे देश की संस्कृति में हमारे जो गांव हैं, हमारे जो गांव के किसान होते हैं वो अपना पेट पालने से पहले लोगों का पेट पालना ये उनकी सोच रहती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं सारे देहात में जब मुझे ये सुनाई देता है, वहाँ के लोग बताते हैं कि हमने आज यहाँ पर 100 लोगों को खाना खिलाया, आज यहाँ पे 200 लोगों को खाना खिलाया। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी दिल्ली के किसानों को यहाँ पर दिल्ली में जो पूरे देश में फसल का दाम मिलता है वो दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता। जी। उसका कारण ये है कि दिल्ली की सरकार ने 2008 में दिल्ली में किसान का दर्जा खत्म कर दिया था। वो नहीं मानती कि दिल्ली में कोई भी किसान है, इसलिए जो भी फसल का दाम आज भारत सरकार पूरे देश में लागू करती है वो दिल्ली में लागू नहीं होता। उसके बाद जब हमने ये शिकायत हमारे कृषि मंत्री से करी तो कृषि मंत्री ने FCI को आदेश दिया कि वो दिल्ली के किसानों से ये सारी फसल जो हमने MSP रखा है उससे वो खरीदने का काम करे। तब हमारे FCI के लोगों ने हमारे किसान से फसल लेने का काम किया, मगर किसान दिल्ली सरकार की मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच सकता। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि दिल्ली का किसान तो लोगों की मदद कर रहा है इस समय पर। जी, बात अगर मोदी सरकार की करें तो तमाम तरह के विपक्ष सवाल उठा रहा है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का कहना है कि लॉकडाउन सही तरीके से लागू नहीं किया गया, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह के कदम उठाने चाहिए थे, गांव गरीब किसान की मदद होती, उस तरह से भी सरकार ने पैकेज का ऐलान नहीं किया है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, पूरे दुनिया के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े और भी अर्थशास्त्री अगर मैं कहूँ या मैं WHO कहूँ या बहुत सारे ऐसे संस्थानों ने भारत में जिस तरीके से लॉकडाउन को हमने कोरोना को रोकने के लिए कदम उठाए हैं उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है, मगर हमारे देश के लोगों को नहीं दिखाई देता। राहुल गांधी जैसे लोगों को नहीं दिखाई देता, सोनिया गांधी जैसे लोगों को नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये धृतराष्ट्र की तरह इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, इनको इस देश की अच्छाइयां कभी नहीं दिखाई देंगी। पूरे दुनिया को भारत की अच्छाइयां दिखाई दे रही है मगर ये गांधी परिवार को अच्छाई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये कभी वो तबलीगी जमात के बारे में कुछ नहीं बोलते, ये दिल्ली में ठेके खुल जाते हैं या इनके जो कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में चल रही हैं वो भारत सरकार का सहयोग नहीं करते तब ये कुछ नहीं बोलते, मगर इनको भाषण देना आता है। इन्होंने भी इस देश में कई साल यहाँ पर राज किया है, इन्होंने अपने समय में कैसी सरकारें चलाई थी। आज इनको दुख होता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री वो इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है, लोग उसकी इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं, दुनिया उसकी इतनी तारीफ कैसे कर सकती है, ये उनके पेट में दर्द होता है। प्रवेश वर्मा जी, एक सवाल मेरा और आपसे है कि अभी दो संतों की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में और उसके बाद आपने अपने बाल मुंडवाए, श्रद्धांजलि आपने दी, कैसे देखते हैं उस घटना को आप? देखिए, जब हमने पालघर में ये घटना के बारे में सुना कि एक ऐसा देश जहाँ पे संतों की पूजा होती है, जहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या करी उसके बाद में भारत जैसा देश बना, ऐसी हमारी संस्कृति है। हमारे देश में अगर दो संतों की जहाँ पर पुलिस हो, पुलिस के सामने वो पुलिस का सहारा ले रहे थे, अगर कोई भी ऐसी स्थिति में फंस जाए तो उसको सबसे पहले क्या उसको आता है कि एकदम से यहाँ पर अगर पुलिस आ जाए तो मैं बच जाऊंगा, मगर पुलिस होने के बावजूद भी दो संतों को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया गया। इससे दुख की बात क्या हो सकती, उस समय अगर पार्लियामेंट चल रही होती तो मैं वहां पर जाके मैं वहां पर जोरों शोरों से इस बात को उठाता। मैं घर पर बैठ के सोच रहा था कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे मैं श्रद्धांजलि दूं। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और मुझे बहुत ज्यादा दुख भी था। तो मैंने हमारे जैसा हमारे हिंदू धर्म में है कि अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अपने सर का मुंडन करते हैं, बाल त्याग देते हैं,
तो मैंने कहा मैं भी अपने बालों को त्याग कर कम से कम मैं इतनी छोटी श्रद्धांजलि तो अपने संतों को दे सकता हूँ, और जैसी पार्लियामेंट चलेगी वहां पर भी मैं इस बात को उठाऊंगा, और जब तक उन सारे हत्यारों को सजा नहीं हो जाती हम इसको हमेशा उठाते रहेंगे। जी सांसद निधि का एक सवाल है, सांसद निधि केंद्र सरकार ने वापस ले ली, आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ लोगों ने सवाल उठाए इस पे पर भी कि केंद्र सरकार का जो ये फैसला था वो सही नहीं है सांसद निधि को रोकने का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सांसद निधि अगर भारत सरकार ने ले ली है और वो उन्हीं पैसों से हमारे सांसद निधि से ही ये सारे स्वास्थ्य की जो उपकरण हैं जो अस्पतालों में दिए जा रहे हैं, किट दिए जा रहे हैं, मास्क दिए जा रहे हैं, मशीन दी जा रही है, जो टेस्टिंग किट है वो दी जा रही है, ये इन्हीं पैसों से तो वो खरीद रहे हैं और उन्हीं पैसों से खरीद कर वो ये राज्य सरकारों को दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो सांसद निधि का इससे अच्छा उपयोग कोई हो सकता था। भारत सरकार ने वो पैसे लेकर उनसे उनके टेंडर कर और उनसे ये जरूरी के सामान खरीद कर और हमारे दिल्ली में लोगों तक पहुंचाए हैं, तो उस पैसे का हमारे हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। मैं इस फैसले को बिल्कुल ठीक मानता हूँ। दिल्ली को लेकर अगर मैं बात करूँ तो अब लॉकडाउन आगे 4 भी बढ़ेगा, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है दिल्ली की, छोटे उद्योग हैं, आप किस पक्ष में, क्योंकि इसको लेकर भी दो राय उभर के सामने आती हैं कि दिल्ली को कितना खोला जाए, लॉकडाउन कितना हटाया जाए, कितना नहीं हटाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने फैसला लिया उस पर भी केजरीवाल सरकार ने सवाल उठाया कि जेलों को रेड जोन में नहीं डालना चाहिए था, वार्ड के स्तर पर यह काम करना चाहिए था, आगे क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है आपका? मैं तो ये जानना चाहता हूँ केजरीवाल जी का क्या सुझाव है इसके बारे में। वो अभी तक क्यों नहीं 2 महीने में कुछ भी बोले हैं? जब तक उनको भारत सरकार की योजना या भारत सरकार की बातें अच्छी लगती हैं तब तक वो चुप रहते हैं, जब उनको अच्छी नहीं लगती तब वो बोलते हैं। मगर उनकी क्या योजना है, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे इसको खत्म करेंगे, दिल्ली में केसेस को कम करेंगे, खत्म करेंगे, उनकी आगे 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने की योजना क्या है, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बताता दिल्ली की जनता को? आज दिल्ली के 12 जिलों में से 11 जिले रेड जोन में हैं। क्या ये भारत सरकार की गलती है या दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की गलती है? आज मैं ये समझता हूँ जिस हालात से दिल्ली चल रही है देश में सबसे आखिरी राज्य होगा जब दिल्ली खुलेगी। अगर इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं तो वो उसका नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। मैं चाहता हूँ दिल्ली का मुख्यमंत्री आज शाम को, कल, परसों टीवी पर आए, एक बार तो आए और वो दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के किसानों के लिए, दिल्ली के मजदूरों के लिए, दिल्ली के छात्रों के लिए वो क्या करना चाहता है, अगले एक साल की उसकी क्या रणनीति है, ये सामने आकर उसको बताना चाहिए। नहीं, परवेश वर्मा जी, केजरीवाल जी रोज टीवी पे आते हैं, लगभग वो टीवी पे आके बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं दिल्ली के लिए। वो बताते हैं कि हम अपना 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो झूठ है। वो बताते हैं कि हम 70 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं, वो भी झूठ है क्योंकि वो भारत सरकार दे रही है। वो बताते हैं कि दिल्ली में 1 लाख बेड का हमने इंतजाम कर लिया, वो भी झूठ है क्योंकि आज दिल्ली के अस्पतालों में लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा। तो वो जितनी बात बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं वो सब तो झूठ बोल रहे हैं। वो आने वाले एक साल की क्या रणनीति है ये अभी तक उन्होंने कभी भी आकर दिल्ली की जनता को स्पष्ट नहीं किया। जी चलिए प्रवेश वर्मा जी, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मनोज। तो ये थे भाजपा सांसद पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा जी, जिन्होंने हमसे बात की कि कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं उनकी मदद के लिए एज ए सांसद के तौर पे, जनप्रतिनिधि के तौर पे वो कितने सकारात्मक काम कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली सरकार जो केंद्र सरकार पे सवाल उठाती है उसको लेकर प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल की नीति और कार्यशैली पर भी तमाम तरह के सवाल उठाए। आज संवाद में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।